नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अग्रावत पर स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक चाइनीज़ बोर्ड को पानी से वॉश करके आपको दिखाया था और उसे ऑन करके भी हमने देख लिया था, लेकिन वही बोर्ड और वही टीवी मेरे पास अभी आप देख पा रहे हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है? राष्ट्र सब आ रहा है सही, लेकिन वीडियो की जो आरसी पिन हम लगाते हैं तो वीडियो नहीं आ रहा। तो चलिए मैं आपको आरसी केबल लगा करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है, एंड तक देखना। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है और इसे मैं वीडियो मोड पे कर देता हूँ। तो इस तरह की लाइनिंग दिखाई दे रही है, देखिए आप। जो ही हम वीडियो पे आरसी केबल लगाते हैं तो इस तरह की लाइनिंग आ रही है और रास्टर सही आ रहा है, लेकिन वीडियो में लाइनिंग दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, शायद आपको पता होगा ये किस सेक्शन का फॉल्ट है। अगर नहीं है तो आप वीडियो को पूरा देखिए। इस तरह का फॉल्ट आपके पास भी आ सकता है, ये देखिए। तो इस कंडीशन में दोस्तों, सबसे पहले हमें, क्योंकि इसके वोल्टेज तो सभी सही आ रहे हैं, टीवी ऑन है, तो इस तरह की फॉल्ट में सबसे पहले हमें जो मेन आईसी है, इस आईसी की सभी पिनों को ड्राई सोल्डरिंग के लिए चेक कर लेना है कि ड्राई सोल्डरिंग अगर होगी तो भी कई तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, या लूजिंग आईसी की पिने अगर लूजिंग होगी तो ये देख लेना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले इसकी ड्राई सोल्डरिंग के लिए फिर से सोल्डरिंग पेस्ट लगा करके सोल्डर कर देता हूँ। और दोस्तों, पानी से धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मैंने पहले भी कई बोर्ड को इस तरह से पानी से वॉश करके ऑन किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो दोस्तों, सोल्डरिंग हमने कर दी है और अब हम इसे ऑन करके फिर से देख लेते हैं। दोस्तों, फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, देखिए वही बोर्ड है जो मैंने वॉश किया था। और इस आईसी के नंबर अब हमें देखना ज़रूरी होगा कि इस आईसी के नंबर क्या हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा आईसी के ऊपर जो ये लगा हुआ है इसे हटा करके इसके नंबर देख लेता हूँ। तो दोस्तों, इसके नंबर मैंने देखे हैं 8893CRCNG7065, ये इसके नंबर है। तो अब हमें क्या करना है कि जो वीडियो के लिए जो AV का पिन होती है आईसी में, AV इन, उस पिन को हमें देखना ज़रूरी होगा। और ये जो यहाँ पे कंपोनेंट लगे हैं आईसी की वीडियो की पिन पर, इन सभी कंपोनेंट को वन बाय वन चेक करना है। इनमें से जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस PF वगैरह लगे रहते हैं, इनको चेक करना ज़रूरी है। इनकी वजह से ही कई बार इस तरह का प्रॉब्लम आता है। लेकिन दोस्तों, ये प्रॉब्लम AFC या सिंक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो वीडियो की लाइन जा रही है, ये है वीडियो का, यहाँ से ये लाइन जा रही है तो सीधी आईसी पे जा रही है। इसके बीच में जो कैपेसिटर वगैरह लगे हैं, इनको हमें चेक करना ज़रूरी होता है। और इस आईसी की 24 नंबर की पिन वीडियो की होती है। तो दोस्तों, 24 नंबर पिन पर लगे हुए सभी कंपोनेंट को चेक कर लेना है। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो फिर ये जो ABL EHT पे ABL की जो लाइन है, तो इस लाइन पर लगे सभी कंपोनेंट को भी चेक करना होगा, क्योंकि ABL की प्रॉब्लम की वजह से भी इस तरह का
रास्टर दिखाई देता है। तो यहाँ पर मोस्टली एक जो जीना डायोड लगा रहता है AFC के लिए, ये इस डायोड को भी चेक करना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया है, सभी कंपोनेंट सही हैं। वीडियो की जो 24 नंबर पिन है उस पर भी सभी सही हैं, और ये जीना डायोड भी सही है। अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों अब हमें IC की जो AFC या सिंक की जो पिन होती है, तो इसमें 14 नंबर पिन सिंक की होती है। तो यहाँ से 14 नंबर हम गिनेंगे, तो ये वाली 14 नंबर पिन इसकी AFC की है। तो इस पर लगे हुए सभी कंपोनेंट को चेक करना है। तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा है और ये लाइन यहाँ से निकल कर इधर जा रही है। तो इन सभी कंपोनेंट को चेक करना है। तो इस ट्रांजिस्टर के वोल्टेज हम देख लेते हैं। इस ट्रांजिस्टर के वोल्टेज तो प्रॉपर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और वीडियो की जो 24 नंबर पिन है, वीडियो की दो पिनें होती हैं, AV1 और AV2। तो इसमें दोस्तों AV2 को ग्राउंड कर किया हुआ है, AV1 पे ही वीडियो आता है। तो ये सब हमने देख लिया। अब हम इस 14 नंबर पिन जो AFC और सिंक के लिए बनी है, इस पिन पर लगे हुए कंपोनेंट को देखना होगा। तो ये ग्राउंड की लाइन है और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है। ये देखिए आप, शॉर्ट दिखा रहा है ये। तो इस कैपेसिटर को हम बाहर निकाल कर चेक करते हैं, क्योंकि कई बार सर्किट में लगे हुए में चेक सही नहीं हो पाता है। तो ये कैपेसिटर मैंने बाहर निकाल लिया है और इसके नंबर भी हम देख लेते हैं। 2A 822J ये कैपेसिटर है। मैं आपको गौर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा जूम करके। ये देखिए 2A 822J। तो इसको हम चेक करते हैं। दोस्तों ये फॉल्ट आपके पास भी आया है क्या? अगर आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, देखिए। दोस्तों यहाँ पर एक देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैपेसिटर कभी भी ख़राब नहीं होता। तो ख़राब होने का रीज़न आप देखिए, यहाँ पर जो ये कटा हुआ है, तो ये कटा हुआ क्यों है? ये क्योंकि चूहों ने इसे काट दिया है, और जिसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ है। क्योंकि यहाँ पर इतने वोल्टेज आते नहीं हैं जितने कि ये ख़राब हो, क्योंकि IC पर एक दो पिनों पे 8 वोल्ट आते हैं, बाकी सभी पिनों पर 5 वोल्ट से कम ही वोल्टेज आते हैं। तो दोस्तों ये कैपेसिटर हम चेंज करेंगे, ये दूसरा वाला कैपेसिटर है, ये सही है। ये देखिए यहाँ पर IC के आसपास लगे हुए सभी कंपोनेंट बहुत कम ख़राब होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा नहीं आता है। तो अब हम यहाँ पे PCB पे चेक करते हैं कि शॉर्टिंग बना हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, देखिए आप। ये कैपेसिटर तो ख़राब होने का रीज़न यही है कि चूहों ने इसे काट दिया है, थोड़ा सा इसके कवर को, इसकी वजह से ये अंदर से शॉर्ट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर IC के जो आसपास में जो कैपेसिटर और PF लगे रहते हैं, ये बहुत ही कम चांसेस रहते हैं इनके ख़राब होने के, क्योंकि यहाँ पर इतने वोल्टेज नहीं आते। तो इसका ख़राब होने का रीज़न यही है, और हमने देखा भी कि चूहों ने इसे काट दिया है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट हो गया है। और 14 नंबर पिन इसकी जो AFC की है, उसे ग्राउंड से शॉर्ट हो गया है, क्योंकि AFC पर 3-4 वोल्ट के करीब वोल्टेज आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 वोल्ट आ रहे थे।
ग्राउंड से ये शॉर्ट हो गया है पीएफ कैपेसिटर। तो दोस्तों हमने ये लगा दिया है, एबीएल की वजह से भी दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम आता है, लेकिन इतना नहीं आता, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है उसमें। तो दोस्तों हमने ये लगा दिया है, अब इसे हम ऑन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा टीवी ऑन हो गया, पिक्चर भी आ गई और अब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके फॉल्ट होने का रीज़न यही है कि चूहों ने इसे काटा है, वरना यहाँ पर लगे हुए जो आईसी के आसपास जो कंपोनेंट लगे हैं इनके ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना वोल्टेज नहीं आता, यहाँ पर आईसी के आसपास ओवर वोल्टेज नहीं आते हैं, बहुत कम वोल्टेज आते हैं, तो किसी भी कंपोनेंट के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन चूहों के काटने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आई है, और ये दोस्तों देखने में दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये देखिए। और भी कई कैपेसिटर को चूहों ने इस तरह से काटा है, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसी में शॉर्टिंग हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।